गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स शुरू करेंगे। इसमें हम रिवाइवल ऑफ वाबरीज और ड्रिप इरिगेशन पढ़ चुके हैं। आगे है हमारे पास एक केस स्टडी जिसे आपको पढ़ना है। ये देखते हैं, डू यू नो राजस्थान इज़ अ गुड एंड ड्राई रीजन, सॉरी हॉट एंड ड्राई रीजन। राजस्थान क्या है? गर्म और सूखा हुआ प्लेस है, जहाँ पे जो मतलब काफ़ी सूखा हुआ सा लगता है और बहुत गर्म है। इट फेसेस नेचुरल स्कैरिटी ऑफ वाटर। इस यहाँ पर क्या होता है, पानी की बहुत कमी होती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पानी की कमी को फेस करते हैं, का सामना करते हैं। दिस स्कैरसिटी ऑफ वाटर वॉज सक्सेसफुली ओवरकम इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये जो पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी का सामना कम करते हैं लोग। क्यों कम करते हैं? उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया है। कैसे किया है? सम सोशल वर्कर्स सर्वाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स, अरवेरी, रुपेल, सारसा, भागिनी एंड साजवाली बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। दिस ट्रांसफॉर्म्ड अ ड्राई एरिया इन अलवर इनटू अ ग्रीन प्लेस। कुछ जो सोशल वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया है, जो सूखे हुए 5 नदियाँ थीं उनको क्या किया, उन्होंने जो सूखी हुई कुछ नदियाँ थीं, जैसे ये 5 नदी के नाम लिखे गए हैं, उनको बनवाया अच्छे से और ऐसा स्ट्रक्चर बनवाया जिससे कि वो पानी को क्या कर सके, बारिश हो तो कंजर्व कर सके। इस तरीके का सिस्टम बनवाया इन नदियों में। और अब क्या है, अजमेर एक ग्रीन प्लेस है और ये अब एक ड्राई एरिया नहीं है। केयर फॉर एनवायरनमेंट, वी कैन सेव वाटर एट होम बाय मिनिमाइजिंग इट्स वेस्टेज इन द फॉलोइंग वेज। आप पानी को बचा सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो। फर्स्ट, डू नॉट कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स और क्लीनिंग यूटेंसिल्स। जो आप क्या कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो या हाथ धो रहे हो या बर्तन धो रहे हो, तो आप टोटी को बंद रख सकते हैं, यानी कि खुला छोड़ दिया और बर्तन धो रहे हैं फिर धो लिया आपने। सेकेंड, कलेक्ट रेन वाटर इन ड्रम्स एंड यूज़ इट टू वाटर द प्लांट्स। आपको रेन वाटर ड्रम्स में कलेक्ट करना है और उसको पौधों में पानी देना है। थर्ड, यूज़ अ बकेट एंड अ मग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ शावर फॉर अ बाथ। आपको बकेट और मग यूज़ करना चाहिए शावर की जगह। फोर्थ, गेट लीकिंग पाइपलाइंस एंड वाटर टैप्स रिपेयर्ड। अगर कोई लीकिंग पाइपलाइन है, वाटर टैप है, उसको रिपेयर करना है आपको। फिफ्थ, क्लीन योर व्हीकल विथ वेट क्लॉथ इंस्टेड ऑफ वॉशिंग विथ रनिंग वाटर। आपको अपनी गाड़ियों को गीले कपड़े से साफ करना है, ना कि आप पानी डाल के उसे साफ करें। सिक्स, मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग विथ रनिंग वाटर। आपको क्या करना है, पोछा लगाना है फ्लोर पे, ना कि उसको पानी से धोना है। सेवन्थ, यूज़ द वाटर लेफ्ट इन योर बोतल फॉर वाटरिंग द प्लांट्स और क्लीनिंग द व्हीकल्स। अगर आपकी बोतल में पानी बच जाए, आप जैसे स्कूल में पानी लेके गए हैं, कहीं भी बच जाए, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, प्लांट में डाल सकते हैं, व्हीकल्स को धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो इट, आपको उसे फेंकना नहीं है। एट, डू नॉट होज डाउन योर ड्राइववे और साइडवॉक, यूज़ अ ब्रूम टू क्लीन लीव्स एंड डेब्रीज फ्रॉम दीज एरियाज। आपको ये नहीं करना कि आप पानी डाल दें अगर लीव्स वगैरह गंदी हो गई हैं, तो आपको उसे झाड़ू से साफ करना है, जो लीव्स वगैरह हैं जो गंदी हो गई या कुछ एरिया गंदा हो गया है, तो यानी कि पानी डाल के आप साफ़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप इन स्टेप्स का ध्यान रखेंगे तो पानी की बचत होगी और पानी की बर्बादी कम होगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।